नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग TGT और PGT चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 20 प्रश्न मिलेंगे। ये 20 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जैन लघु चित्रों की विशेषताएँ जैसे गालों व आँखों का उभरा होना और कोड़ेता निम्नलिखित में से किस भित्त चित्र की अपनाई गई है। ऑप्शन है बाघ भित्त चित्र से, एलोरा भित्त चित्र से, या लेपाची भित्त चित्र से, या अजंता भित्त चित्रों से। यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, एलोरा भित्त चित्रों से। तो एलोरा में जो मूर्तियाँ जैन संप्रदाय से संबंधित हैं वह दिगंबर संप्रदाय से संबंध रखती हैं। वह मूर्तियाँ 9वीं और 10वीं शताब्दी की मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है वेशांतर जातक, महाजनक जातक, हंस जातक, या महाकवि जातक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाजनक जातक। तो अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और यहाँ पर अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित महाजनक जातक चित्र संबंधित नहीं है क्योंकि यह गुफा संख्या 1 में चित्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। प्रसिद्ध मूर्ति चतुर्मुखी के मूर्तिकार का नाम क्या है। ऑप्शन है अमरनाथ सहगल, या एक्का यादागिरी राव, राम किंकर बैच, या मृणाली मुखर्जी। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यक्का यादागिरी राव। प्रसिद्ध मूर्ति चतुर्मुखी यक्का यादागिरी राव की उत्कृष्ट कलाकृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। मूर्तिकार यक्का यादागिरी राव का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है 1940 हैदराबाद में, 1950 महाराष्ट्र में, 1935 गुजरात में, या 1930 उत्तराखंड में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1940 हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, नेचर मोर्ट नई दिल्ली में रखी वानश्री किसकी कृति है। ऑप्शन है अमरनाथ सहगल, मृणाली मुखर्जी, अनुपम सूद, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मृणाली मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। गुप्तकालीन अजंता किसे समर्पित है, विष्णु को, दुर्गा को, बुद्ध को, या शिव को। तो गुप्तकालीन अजंता समर्पित है बुद्ध को। ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से, या बुद्ध काल से। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बुद्ध कला से। अजंता कलाकृतियाँ संबंधित है बुद्ध कला से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। अजंता भारत के प्राचीनतम मठों में से एक है, या गुफा मंदिरों का एक समूह महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है पूणे, मुंबई, जलगांव, या औरंगाबाद। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, औरंगाबाद। तो अजंता भारत के प्राचीनतम मठों में से एक है जो कि गुफा मंदिरों का एक समूह है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है। अगला पास प्रश्न है, पद्म पहाड़ी भूत सत्व है बाघ गुफा में है, या जोगीमारा गुफा में है, अजंता गुफा में है, या सिगरिया गुफा में है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजंता की गुफा में है पद्म पहाड़ी भूत सत्व। अगला प्रश्न है, विषांतर जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है, गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 5, या 15। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुफा संख्या 17 में स्थित है विषांतर जातक। अगला प्रश्न है, छेदंत जातक किसकी कहानी है, मगरमच्छ की, हाथी की, मृग की, या खरगोश की। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाथी की।
अगला प्रश्न है, गुप्त काल की शोभायान मूर्तिकला महाबारा इनमें से किस स्थान पर स्थित है? उदयगिर में या उज्जैन में कि देवगढ़ में या नचला कुठार में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उदयगिरी। तो महाबारा मूर्ति शिल्प भेलसा के पास से प्राप्त हुआ है और ये उदयगिरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ हाथी और को दर्शाया गया है, घोड़ा को, गैंडा को, वृषभ को या गाय को? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वृषभ। तो अशोककालीन स्तूपों पर मुख्यतः चार पशुओं को दर्शाया गया है जिसमें हाथी, घोड़ा, शेर और बैल है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूर्ति दीदारगंज या छड़ी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती हैं? मथुरा शैली से, अमरावती शैली से, मौर शैली से या शुंग शैली से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मौर शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95, काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग किस काल में हुआ है? ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग सातवाहन काल या कुषाण काल? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मौर्य काल में काष्ठ के साथ पत्थर और ईंटों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? ऑप्शन है वासुदेवसत्त या पुष्यमित्र, अशोक या अग्निमित्र? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97, भारत की विशालतम भित्त चित्रकला वीरभद्र कहाँ स्थित है? बाघ, लेपाची, सिंतलवासल या अजंता? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लेपाची। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री से बनी है? ऑप्शन है कांसे से, टेराकोटा से, सिलखड़ी से या ताबे से? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांसे से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई करते समय जो पाई गई नृत्य करती लड़की कांसे से बनी हुई है। अगला प्रश्न है, तुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से अनेक प्रकार की रोचक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिसमें एक मूर्ति दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति भी है। ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण मूर्तियों में दाढ़ी मूछ युक्त, सिर पर गोल अलंकार धारण किए तथा बाएं कंधे पर साल लिए एक अवाच्य प्रतिमा है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है पुजारी, राजा, नर्तक या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुजारी। तो सिंधु घाटी में सर्वोत्तम प्रतिमाओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिलखड़ी में निर्मित दाढ़ी युक्त पुरुष आकृति प्राप्त हुई है और ऐसा माना जाता है यह पुजारी के रूप में है। तो यहाँ पे आपके 20 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।